है परमेश्वर के चरणों में जाने का, एक टाइम है संसारिक काम करने का। और दाऊद ने क्या कहा, कहता वो शत्रुओं के सामने मेज को बिछा देता है, इसीलिए टेबल को बिछा देता है, इसलिए टाइम टेबल खराब है लोगों का। क्यों? क्योंकि टाइम टेबल कभी बनाया नहीं, इसलिए वो शत्रुओं के सामने मेज नहीं बिछाता आपके लिए। समझ आ रही कि नहीं आ रही? ताकि आपके शत्रुओं को आपके अधीन कर दे वो। जब हम प्रेजेंस में बने रहते हैं, परमेश्वर की हजूरी में बने रहते हैं, तो परमेश्वर हमारे साथ होता है। और जब कोई शत्रु अटैक करता है तो वे टेबल मेल मिलाप का टेबल बिछा देते हैं, ताकि शत्रु हम तक ना पहुंच सके, वो भी टाइम पर। कभी टाइम बनाया हमने? संडे को उठ के ही हमने कपड़े धोने होते हैं, बर्तन मांज साफ करने होते हैं और पोछे लगाने होते हैं, क्योंकि टाइम टेबल नहीं है, इसलिए टाइम खराब है, समझ नहीं आ रहा। शनिवार को ही सारे काम खत्म कर दो, शुक्रवार को ही सारे काम खत्म कर दो। जब किसी शादी में जाना होता हमने, तो क्या शादी वाले दिन हम बर्तन और कपड़े धोने लग जाते हैं? बताओ, अगर हम इतनी बुद्धि रखते हैं तो ये भी बुद्धि हमारे पास होनी चाहिए जो परमेश्वर की ओर से होती है। शनिवार संडे को ही उठ के, हाँ दो कपड़े रह गए मैं मान ली लंबा, और चर्च में लेट हो जाऊंगा, सारे काम जो है वो निपटाओ। आज का काम कल पर मत छोड़ो, आपको निपटाना पड़ेगा। जिस प्रकार परमेश्वर ने भी 6 दिन अपना काम किया, निपटाया और आराम किया, ये संडे आराम का दिन है। और जो बुद्धि नहीं रखते, जो टाइम टेबल नहीं अपना बना के रखते, जब बाइबल पढ़ने का समय होता है, प्रार्थना करने का समय होता है, तब हम कामों में लग जाते हैं, सोने में लग जाते हैं। और जब सोने का टाइम होता है, तब हम बाइबल पढ़ना शुरू हो जाते हैं। एक टाइम टेबल, अगर टाइम टेबल नहीं है आपकी लाइफ में तो कुछ भी नहीं। अगर स्कूलों में सारा पीरियड जो है वो हिंदी का ही हो जाए, तो इंग्लिश कब पढ़ेंगे, मैथ कब पढ़ेंगे? टाइम टेबल होता है हर जगह। परमेश्वर ने भी टाइम टेबल बनाया। सुबह उठ के 9 बजे आप बाइबल पढ़ना शुरू कर देते हो, 10 बजे वो टाइम बाइबल पढ़ने का समय नहीं। कई लोगों की ये बात बड़ी अजीब लगेगी कि 10 बजे 11 बजे 12 बजे बाइबल पढ़ना शुरू कर देते। समझ आ रही कि नहीं यार? ये आत्मिक लोग समझेंगे आत्मिक बात, नहीं तो देख लो क्या हाल है लोगों को। चर्च जाने के बाद भी, बाइबल पढ़ने के बाद, एक टाइम रखो अपना, एक टाइम टेबल बनाओ। परमेश्वर के पास कब जाना है, और वो टाइम आपने संसार को नहीं देना। मरियम के, मरियम ने कहा मैंने तो डांट खा ली, अब तुम भी खा लो जाके। कहते दांत रस घट गया। क्या जवाब मिला? कहता हे स्त्री, बड़े प्यार, पढ़ना और बोलना ये अलग अलग बात है। समझ आ रही कि नहीं यार? चिट्ठी लिखना, चिट्ठी में पढ़ना अलग बात होती है, और डायरेक्टली बात करना अलग बात होती है। उसमें झगड़ा हो जाता है, चिट्ठी पढ़ते हैं जब तब झगड़ा नहीं होता। और जब लिखा यहां पर कि हे स्त्री तेरा मुझसे क्या काम, मैं तो तेरी माँ हूं, तो तू मुझे स्त्री क्यों कह रहा है? क्योंकि वो समय नहीं था। यीशु मसीह ने क्या कहा? कहता हे स्त्री मेरा तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। फिर भी जब एक माँ ने कहा तो उसने उस काम को पूरा किया। उसने कहा ठीक है, मटके भर दो पानी से। कितने जन समझे इस बात को? कोई भी काम है, आपको टाइम देखना पड़ेगा, क्या टाइम है, क्या सिचुएशन।
तब आप आगे बढ़ सकते हो। और यहां पे बुद्धि का आत्मा काम करता है। हालेलुया। तो क्या लेने आए हैं? आनंद और शांति वो दे चुका पहले ही आपको। आदम को हवा पहले ही दे चुका था, उसी के अंदर से उसने पसली निकाली, उसमें मांस भरा, बाहर से कुछ नहीं किया। आज भी वो बाहर से कुछ नहीं करता है, आपके अंदर से सब कुछ होता है। अगर प्रेगनेंसी होती है तुम्हारे अंदर ही हो। समझ आ रही कि नहीं? बाहर से कुछ नहीं होगा, चाहे जितना मर्जी दौड़ लो, उधर दौड़ लो, उसके पास चले जाओ, उधर कर लो, उधर चले जाओ, कुछ नहीं होगा। जो होगा आपके अंदर पहले से। और ये आशीषें वो पहले से ही दे चुका, जब क्रूस के ऊपर उसने कहा पूरा हुआ, उसने कहा मैं सब कुछ पूरा कर चुका हूं, पूरा। अब आपको वर्क करना है, ये आपकी ड्यूटी है। आपको कुछ लेना है परमेश्वर से। समय से पहले वो कुछ नहीं करेगा सर। अगर डिलीवरी होती है 9 महीने के बाद, तो 9 महीने के बाद। क्यों? परमेश्वर का काम। अगर परमेश्वर से कुछ करवाना चाहती हो कि तेरी मर्जी पूरी हो, तो वो अपने तरीके से काम करेगा। उसके करने दो उसको अपने मर्जी से काम। इसीलिए काम नहीं होते, क्योंकि हम अपनी मर्जी करना शुरू कर देते हैं। हम मैं सोचा, आपने सोचा, परमेश्वर पहले ही सोच के रखा उसने सब कुछ आपके लिए। मैंने सोचा ऐसा, मैंने सोचा ये नहीं है, उसको पूरा काम करने दो, वही धीरज है। भाई कहते धीरज को पूरा काम करने दो, वही धीरज है। हालेलुया। कुछ भी दूर नहीं है, सब कुछ पास में है। जिस दिन आत्मिक आंखें खुल जाएगी, सब कुछ पास पास लगेगा। कुछ भी दूर नहीं। अगर यहां से आप गुरदासपुर जाते हो, अमृतसर जाते हो, यहीं से शुरू हो जाओ। ममून आएगा, बस स्टैंड आएगा, क्या सरना आएगा, दीनानगर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बटाला आएगा, है स्टेशन याद कि नहीं है? स्टेशन है। बात ये है कि आप चलना शुरू किया है, तभी स्टेशन आएंगे। अगर आपने सोच रहे हो और चलना शुरू नहीं किया, तो कभी भी आप स्टेशन पे नहीं पहुंच पाओगे, ना ही मंजिल पे पहुंच जाओगे। ऐसे ही यीशु मसीह ने कहा पूरा कर चुका हूं मैं। आप विश्वास के कदम बढ़ाना शुरू करो, सारी आशीषें आगे पड़ी हुई मिलेंगी। शाऊल को कहा आगे जा, फलानी जगह पे गदियां होंगी, तेरे पिता की गदियां जो गुम हो चुकी, जिनको तू ढूंढने के लिए आया, वो गदियां भी तुझे मिल जाएंगी, वो फलानी जगह पे होंगी। तो वहीं पे थी बात, ये थी शाऊल को वो प्लेस छोड़कर आगे जाने की जरूरत थी। जब उसने प्लेस छोड़ा, जगह छोड़ी, आगे बढ़ा, उसको गदियां मिल गई। मेरी बात को समझ आ रही कि नहीं? यार ऐसे ही यीशु मसीह ने कहा मैं मार्ग हूं। जब आप मुझ पे विश्वास करोगे, आप विश्वास के कदम उठाना शुरू कर दोगे, एक विश्वास आएगा आपके अंदर। हालेलुया। इसलिए उसने कहा मार्ग में आया हूं, मेरे बगैर तुम इस मार्ग पर चल नहीं सकते, मेरे बगैर और मुझसे अलग होके तुम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए उसने कहा मार्ग में आऊं। जब हम यीशु मसीह को साथ लेके चलते हैं, वो हमें मार्ग में अगवाई करता है हमारी। फिर हम चलते हैं, फिर आगे क्या होता है?
स्टेप बाय स्टेप वो आशीषें हमारी लाइफ में आती हैं जो उसने रखी हुई। हाँ जाना, इसीलिए उसने कहा विश्वास रख, केवल तू विश्वास रख तो तेरे लिए हो जाएगा। केवल विश्वास रख, वैसा विश्वास नहीं, विश्वास यीशु मसीह पे रखा और काम खुद अपने दिमाग से करना शुरू कर दिया, वो विश्वास। विश्वास का मतलब है अगर यीशु मसीह पे विश्वास किया कि तू करेगा, उसको टाइम दो करने में। हालेलुया। तो आज हम कहां चल पड़े हैं, किस रास्ते में? क्या विश्वास की परिभाषा हमें आती है? यीशु मसीह ने क्या कहा और हम क्या कर रहे हैं? जब यीशु मसीह चले तो रात को ही पिता ने बात की थी उनसे, कल तू गर्सेनी झील के पार जाएगा, वहां पे एक दुष्ट आत्मा से भरा व्यक्ति तुझे मिलेगा। तो मिला वहां, आन जाना, वहां पे बात तो नहीं की, पहले तो नहीं लिखा कि उसने आके माफी मांगी, उसने आके ऐसा किया। ये पहले से ही परमेश्वर ने डिसाइड कर दिया था, डन कर दिया था। कल का पूरा प्रोग्राम, सारी रात बताया उन्हें कि कल ऐसा होगा। आज भी परमेश्वर का आत्मा अपने अपने लोगों से, अपने मैन ऑफ गॉड से जिसको उसने चुना है, उससे रात जब वो बैठे तब वो बात करता है, कल तूने चर्च में क्या करना है, मैं ऐसा करूंगा कल, और तूने ऐसा करना है। वो पहले से ही डिसाइड हो गया। आज जितने नए लोग आए हैं, ना मैं उनसे मिलाऊं, ना वो मुझसे मिले, ना उन्होंने प्रार्थना की कि मैं आत्मिक चर्च में जाऊंगा, मैं मनीष गिल मिनिस्ट्री में जाऊंगा, मगर आज वो यहीं पे। ये प्लानिंग और डिसाइड कर दिया परमेश्वर ने पहले से, आपने सोचा भी नहीं। इसीलिए वो हमारी सोचों से बढ़कर काम करता है, वो करता है, वो हमारी सोचों से बढ़कर। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा तेरी इच्छा पूरी हो, उसने कहा मेरी इच्छा ये है कि तू दुख उठाए, मेरी इच्छा ये है कि तेरे मुंह पे थूका जाए और तू बारीक क्रूस उठाए और बारीक क्लेश में से निकले और क्रूस तक जाए। और तू मार डाला जाए। लोग कहते हैं ऐसा, मगर ऐसा गलत है। समझ आ रही कि नहीं यार? बाइबल क्या बताती है? यीशु मसीह ने कहा अगर मेरे पिए बगैर ये कटोरा नहीं टलता तो मैं पीऊंगा। उन्होंने वो क्रूस की मृत्यु ली। उसने कहा मेरे पास अधिकार है, मैं अपना आत्मा तुझे सौंपता हूं, मैं फिर वापस लेने का मेरे पास अधिकार है। हालेलुया। तो पिता की मर्जी थी कि तू वहां पर जाए और अपने प्राण त्यागे, अपना आत्मा मुझे दे और मैं फिर तुझे उसे वापस करूं, क्योंकि ये जो कटोरा था, ये जो रीति है, इसको पूरा करना जरूरी है ताकि मैं तुझे मुर्दों में से जिला उठाऊं। ये इच्छा थी। और आज हम मसीह में चलना चाहते हैं। पौलुस को जब भविष्यद्वक्ता ने कहा कि बारी बंधन और कलेश तेरे आगे रखे हुए हैं, तुझे निकलना पड़ेगा इनके बीच में से। अगर आपके पड़ोस में सब कुछ सही है, बड़ा बढ़िया चर्च में सब कुछ बढ़िया, आपके साथ सबकी बनी हुई है, कोई आपके विरोध में नहीं बोल रहा है, तो गड़बड़ी है कहीं ना कहीं। कितना जन समझ रहे इस बात? विरोध होते रहना चाहिए। क्योंकि
विरोध आपका नहीं, मसा का अभिषेक का विरोध होता है, बंदे का विरोध नहीं होता, परमेश्वर का विरोध होता है और वो शैतान करता है। अगर बड़े आराम से जी रहे हो तो कुछ गड़बड़ी है, शैतान को आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगर कुछ चल रहा है, कभी कोई बोल रहा है, कभी कोई बोल रहा है, इसका मतलब क्या है? आप बड़े सही ट्रैक पे जा रहे हैं। क्योंकि कई बार आपके दुश्मन कहते हैं आपको, नहीं नहीं वो धक्का मारते नहीं, इस तरफ खड्डा चल उधर, वो मारते धक्का है मगर आपको नहीं पता है, वो आपको खड्डे से बचा रहे हैं। कोई उधर से मार रहा है, कोई उधर से मार रहा है, इसका मतलब आप सही दिशा की ओर जा रहे हैं। अगर कोई पीछे से मारे तो समझो आप आगे बढ़ रहे हो और सही तरीके से। हालेलुया। मैंने कहा अगर आपको जितने मर्जी साल हो गए चर्च में आते हुए, महीने हो गए, हफ्ते हो गए, दिन हो गए, चिंता ना करो, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। क्योंकि अगर मेरी मेहनत बेकार नहीं गई और आपकी भी नहीं जाएगी। समझ आ रही कि नहीं आ रही? सारा दुख जो है, सारा जोर जो है, वो इंजन को लगाना पड़ता है। हाँ जाना, आजकल बिजली वाले इंजन है, करंट सारा किसके अंदर होगा? डिब्बों में के इंजन में जोर किसका लगेगा? भागेगा कौन? अगर आपका इंजन सही है ना, तो आपको सिर्फ जुड़ने की जरूरत है। पहुंच जाओगे आप अपनी मंजिल पे। और अगर आप सुपर फास्ट ट्रेन के इंजन के साथ जुड़े हो, तो ढाई तीन घंटे का सफर डेढ़ घंटे में करवा देगा वो। जहां पे आपको तीन साल पहुंचना है वो डेढ़ साल में पहुंचा देगा, जहां को आपको महीने में पहुंचना है वहां पे आपको पंद्रह दिन में पहुंचा देगा वो। ये मसा। और अब कुछ डिब्बे स्टेशन पे देखा होगा, कुछ डिब्बे लगे हुए होते हैं, कोई सड़ा हुआ होता है, आग लगी होगी कहीं, कोई खराब हो गया होगा, जंग लगा होगा, कई वैसे रखा, कोई इंजन डिब्बे रखे होते हैं। ये वो कलीसिया के लोग हैं, वो बिलीवर हैं, जिन्होंने इंजन को नहीं पकड़ा, डिब्बों को देखकर उसके पीछे लग गए और आज भी उधर ही लगे होंगे। घास कितना कितना होता है, सड़ गए हैं, लोगों ने थूक थूक के जंग लगा दिया। अब एक एलिया आएगा, एक मूसा आएगा आपकी रिपेयर करने के लिए और आपको दोबारा ट्रैक पे लेके आएगा। हालेलुया। आपको परमेश्वर से प्रेम करना है और वो क्या चाहता है? अब आशीष की बोल, उसने क्या कहा? कहता मैं बढ़ना और घटना, कहता मैं जानता हूं। बढ़ना कैसे है? कहता मैं जानता हूं। घटना कैसे है? कहता ये भी मैं जानता हूं। हालेलुया। सत्तर चेले जो आए थे वो घट गए, क्यों? क्योंकि वो सामर्थ से अलग हो गए। यीशु मसीह ने पहले कहा जो डाली मुझ में बनी रहती है उसको मैं काटता हूं और छांटता हूं। हां जान, अगर आप सही तरीके से चल रहे हो मसीह में और आपकी कटाई हो रही है, इसका मतलब आप मजबूती के लिए कटाई हो रही है, तो सही है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आज के वचन के द्वारा ब्लेस हो जाओगे।